अस्सलाम वालेकुम। आज हम अस्तर वाले टॉप की कटिंग देखने वाले हैं। अस्तर वाला सूट है ये, और वीडियो स्किप ना करते हुए आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको इसकी कटिंग समझ में आए। मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, बस आपको फॉलो करना है। इसके लिए हम पहले सबसे पहले इसे कपड़ा खोल के देख लेंगे। ये देखिए, इसकी यहाँ पे शोल्डर पे भी सिलाई है, साइड से बाही अटैच है। हम ये पूरी सिलाई खोल देंगे, ये बाही साइड की बाही भी सिलाई से निकाल देंगे। ये साइड से पाइपिंग लगी है, हम ये पाइपिंग भी निकाल देंगे, और सिलाई करते समय हम इसे अटैच करेंगे, इसलिए हम पहले पूरी सिलाई खोल देते हैं। ये इस तरह से हमारा ये माप रहेगा, शोल्डर 6.5, हाफ राउंड 6.5, 11.5 छाती, 11.25 कमर, 13 सीट, 13 घेर, 13.5 शोल्डर से कमर रहेगा, सीट 19, पूरा नाप है 40, बाही की लंबाई है 16, बाही की गोलाई है 6, सामने का गला 7.5, पीछे का 7। देखते हैं टॉप की कटिंग। ये इस तरह से हमने टॉप का कपड़ा बिछा लिया है, ये अस्तर का कपड़ा है। पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर के कपड़े की कटिंग करेंगे। पहले इस पे हम माप डालेंगे, ये हमने आधे इंच पे लाइन ड्रॉ की कर ली है ताकि हमारा कपड़ा अगर लेवल ना हो तो लेवल हो जाएगा। यहाँ से हम इसे कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे, शोल्डर का नाप हमारा 6.5 है, ये 6.5 पे डॉट करेंगे। हाफ राउंड हमारा जहाँ पे हमने 6.5 पे डॉट किया है वहां से नीचे पे हम 6.5 पे हाफ राउंड लेंगे। इस तरह से ये देखिए 6.5, जहाँ पे हमारे 6.5 का हाफ राउंड आ रहा है वहां पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। शोल्डर से कमर हमारा 13.5 है, शोल्डर से सीट 19, पूरी लंबाई हमारी 40 है, तो हम इसे 40 है 2 इंच कम लेंगे, 38 पे डॉट करेंगे, और ये सिलाई के लिए 1 इंच इस तरह से ये डॉट कर लेंगे। जहां पे हमने डॉट किए हैं वहां पे हम आड़े में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब पहली जो लाइन ड्रॉ करी हुई है हमारी, वहां पे हम हमारे छाती का नाप लेंगे। छाती का नाप 11.5 है, ये 11.5 पे डॉट करेंगे, 1.5 इंच माया, 11.25 कमर, 1.5 इंच माया, 13 सी, 1.5 इंच माया। इसी तरह से हमारा घेर भी 13 आएगा और 1.5 इंच माया। अब हम डॉट टू डॉट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इस डॉट से इस डॉट को इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है आपको भी। ये डॉट टू डॉट हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इस डॉट से घेर तक की डॉट को लाइन ड्रॉ करनी है हमें इस तरह से। ये हमारी घेर की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम हाफ राउंड देखेंगे। हाफ राउंड को हमें यहां से इधर पे इस तरह से नाप लेना है, और इधर से हमें 2 इंच पे डॉट करेंगे, ऊपर से 1/2 इंच पे इस तरह से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम हाफ राउंड देखेंगे। इस लाइन को हमें यहां से इस तरह से हाफ राउंड बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये हाफ राउंड बन जाएगा। अब फ्रंट साइड का हमें इस लाइन को हाफ राउंड तैयार करना है इस तरह से। ये हमारा हाफ राउंड तैयार हो जाएगा, ये बैक साइड का, ये फ्रंट साइड का, इन दोनों में 1 इंच का डिस्टेंस जरूरी है। अब 1.5 इंच का माया हमारा जो छूटा हुआ है यहां से हम इधर की ओर 1/2 इंच पे क्रॉस करेंगे इस तरह से। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमारी ये टॉप की कटिंग हो जाएंगी। टॉप की कटिंग होने के बाद हम सीट पे और कमर पे कैंची की नोक से इस तरह से खच के लगा लेंगे, और शोल्डर
पे भी हमें इसी तरह से खचका लगाना है, जितने पे हमारा गला तैयार होगा पौने तीन पे इस तरह से डॉट देंगे। और जहाँ पे हमने डॉट दिया है वहाँ पे भी कैंची की नोक से इसे इस तरह से खचका दे देंगे, ताकि गला अटैच करते समय हमें ये खचके पे आसानी से लगाने में आसानी हो। इस बचे हुए कपड़े में से शॉर्ट बाय ही तैयार करेंगे। उसके लिए हम पहले हाफ राउंड का इस तरह से नाप ले लेंगे। ये हम इस तरह से गोलाई लेते हुए हाफ राउंड का पूरा नाप ले लेंगे। ये हाफ राउंड का पूरा नाप 11 आ रहा है। इसमें आधा इंच कट करते हुए हम 10.5 लेंगे। आधा इंच शोल्डर में दबेंगे इसलिए हम आधा इंच कट कर देंगे। इस बचे हुए कपड़े में से हम शॉर्ट बाही निकालेंगे अस्तर की अस्तीन में डालने के लिए। हमारे बाही की पहले कपड़ा लेवल कर लेंगे। कपड़ा लेवल करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा कपड़ा आगे पीछे है इसके नीचे का, इसलिए हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें स्लीव की पूरी लेंथ लेनी है आस्तीन की। आस्तीन की पूरी लंबाई हमारी 7 है तैयार। 7.5 पे डॉट करेंगे, आधा इंच ऊपर सिलने में जाएंगे इसलिए ये 7.5 पे डॉट कर लिया हमने। और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए जहाँ पे हमने ये लाइन डॉट किए हैं वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारे बाही की गोलाई आएंगी, गोलाई है उनकी 7, 1.5 इंच माया। यहाँ से नीचे जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वीडियो में मैंने पूरी तरह से समझाया था कि शॉर्ट बाही किस तरह से डालनी चाहिए। अगर आपके शॉर्ट बाही का डायग्राम आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट बाही का पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। 3.5 पे हाफ राउंड का नाप लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहां पे हमें जो हमारा हाफ राउंड का नाप आया था 11 आया था, हमने 1/2 इंच कट किया है। 10.5 पे हमारा हाफ राउंड का नाप तैयार हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डॉट देंगे 1.5 इंच अंदर पे। जहाँ पे हमने 1.5 इंच का डॉट किया है वहाँ पे इस तरह से हम हाफ राउंड का शेप डाल देंगे। ये हमारे हाफ राउंड का नाप इस तरह से तैयार हो जाएगा। 1/2 इंच क्रॉस डॉट टू डॉट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बाही का डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब कटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरह से हमारी ये बाही कट हो जाएंगी। ये हमारी बाही कट हो गई है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग देखेंगे। उसके लिए हम इससे पहले सेंटर में इस तरह से घड़ी डाल लेंगे। इस तरह से हमने इसे बराबर सेंटर में बिछा लिया है। ये गले का जो हमारा पैच है इसकी यहाँ पे नोक आ रही है, ये नोक के लेवल में हम इस तरह से इसे बराबर बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो कटिंग किया हुआ कपड़ा है वो इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारा कटिंग किया हुआ टॉप, इसके गले के सेंटर में हमें इसे रखना है। ये हमारा गले का सेंटर, इसके ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो हम ये कपड़ा 1/2 इंच ऊपर करते हुए इस तरह से रखेंगे, कपड़े के लेवल में रखना है। ये इस तरह से हमने इसे पूरा इस पे बिछा लिया है। अब इसके लेवल में हमें पूरी कटिंग करना है। यहाँ पे हमारे जो अस्तर वाला कपड़ा है इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्वाइंट देना होगा। पहले हम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी इस तरह से कटिंग हो जाएंगी। यह हमारा फ्रंट साइड है, इसी तरह से हम बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट के ऊपर कपड़ा रखा था उसी तरह से हम बैक साइड के ऊपर भी कपड़ा रखेंगे और इसकी 1/2 इंच के ऊपर कटिंग कर लेंगे।
हमें पूरे अस्तर की कटिंग आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम ये बाही की कटिंग कर लेंगे आस्तीन की, जो हमने साइड पे निकाल के रखी थी। इससे पहले उल्टी साइड पे इस तरह से घड़ी कर लेंगे। इस तरह से हमने ये बाही का कपड़ा बिछा लिया है स्लीव्स का। इसके ऊपर हमारी कटी हुई आस्तीन जो है, ये हमारी कटी हुई आस्तीन, इसके ऊपर सबसे पहले हम हमारे बाही की लंबाई ले लेंगे। बाही की लंबाई हमारी तैयार 16 है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे से हमें फोल्डिंग की जरूरत नहीं है। इसे यहाँ पे कटवर दिया हुआ है, इसलिए हम इसे फोल्डिंग का कपड़ा ना लेते हुए सिर्फ सिलाई मार्जिन लेंगे। सिलाई मार्जिन हमारी आधा इंच, इसलिए 16.5 पे हम डॉट कर लेंगे। 16.5 पे हमने ये डॉट कर लिया है। अब जहां पे हमारा ये डॉट है वहां पे इस तरह से ये बाही रखेंगे। ये हमारी बाही इस तरह से हमने डॉट पे रख दिया है। अब यहाँ पे हम हमारे स्लीव्स की गोलाई देखेंगे। ये गोलाई हमारी 6 और 1.5 इंच, ये माया इसका बराबर है। इसके लेवल में हम इसे मिला देंगे। ये हमारा फोल्डिंग वाला भाग है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कपड़ा लगाना होगा सिलाई करते समय। इसके लेवल में हम इसे कट कर लेंगे। हमें सिर्फ इतनी गोलाई कट करना है, फिर बचा हुआ कपड़ा हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा, ये बचा हुआ कपड़ा हम यहाँ पे इस तरह से इसे लगा लेंगे। इस तरह से हम ये कपड़े का इसे ज्वाइन दे देंगे और अब इसके नाप के हिसाब से इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हम ये कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और ये हमारी बाही कट हो जाएंगी। हमारा ये ड्रेस पूरा कंप्लीट कटिंग हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहूँ।